हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ब्लू बहुत कलरफुल सा मेकअप ट्यूटोरियल दे रही हूँ। इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने जो पैलेट यूज़ किया है वो मैंने अपना शेड्स ऑफ ब्यूटी का पैलेट यूज़ किया है। ये पैलेट हम लोगों ने न्यू लॉन्च किया है और आज मैं आपको बताऊँगी कि इसके इस पैलेट के की पिगमेंटेशंस कैसी हैं। इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने डिफरेंट कलरफुल से कलर्स मैंने शेड्स यूज़ किए हैं और इसके साथ मैंने 3D ग्लिटर यूज़ किया है। सबसे पहले फेस के ऊपर मैं मैक का प्रेप प्लस प्राइम यूज़ कर रही हूँ। इसको हम लोग मेकअप से पहले और मेकअप के बाद भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही यूज़ करने के बाद मैंने पोर फिलर्स जो है वो मैं लगा रही हूँ। इससे बहुत अच्छी स्मूथनेस आती है, इसको आप पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ख़ास वजह यह है कि ये पोर्स फिलर के साथ साथ ये आपके जो फेस पे जो रिंकल्स हैं उनको भी ख़त्म करता है। इसलिए मैं आईज़ के ऊपर ये अप्लाई कर रही हूँ और अप्लाई करने के बाद मैं आईब्रोज़ को फिल करूँगी ताकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा सेट होने में, तो इसको लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है या इतनी देर में आप लोग अपनी आईब्रोज़ को शेप अप कर लें ताकि जो रिंकल्स हैं, जो आपकी जो लाइन्स आ रही हैं, इवन दो फाइन लाइन्स भी जो होती हैं फेस पे, वो इससे सारी कवर हो जाती हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक आंख पे अप्लाई किया है और दूसरी आंख पे आपको साफ वाजह नज़र आ रहा है कि एक स्मूथ है और दूसरी नहीं। अब मैंने इस वक्त दोनों आइस पे अप्लाई कर दिया है। स्मूथनेस आपको नज़र आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता दोनों आइस जो हैं वो स्मूथ हो रही हैं। नेक्स्ट मैं आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ और इसके लिए मैंने एंगल ब्रश यूज़ किया है और आईब्रो का जो कलर है वो मैंने जेल कलर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग जो क्रीम कलर्स होते हैं, आप लोग जेल कलर या क्रीम कलर भी यूज़ कर सकते हैं या आप लोग पाउडर शेड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जो जेल कलर यूज़ मैंने किया है ये मैंने मेबेलिन का यूज़ किया है और इसके लिए मैंने स्मॉल एंगल ब्रश यूज़ किया है। एक लाइन पहले हम लोग बनाएंगे आईब्रोज़ की आउटलाइन बनाने के बाद इसको हम लोग फिल कर लेंगे। उसके बाद स्पूली के साथ या आईब्रोज़ ब्रश के साथ हम लोगों ने इसको ब्रश कर देना है ताकि इसका जो कलर है वो अच्छे तरीके से स्मज हो जाए। नेक्स्ट मैं मैक का पेंट पॉट यूज़ कर रही हूँ पेंटरली और इसको मैं फ्लैट ब्रश के साथ आईब्रोज़ को नीट कर दूंगी और पूरी आईज़ पे अप्लाई कर दूंगी। इसकी बिल्कुल थिन लेयर जो है वो अप्लाई करनी है। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग लगाएंगे तो उससे यह है कि क्रीज़ बनने लग पड़ती है जिसकी वजह से आईशेड्स जो हैं वो अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं होते और बहुत ही अनफिनिश से नज़र आते हैं। तो इसको जो है हम लोग आई प्राइमर भी कहते हैं, आई बेस भी कहते हैं और पेंट पॉट भी कहते हैं। आप लोग किसी भी ब्रांड का जो है वो पेंट पॉट, आई बेस या आई प्राइमर आप यूज़ कर सकते हैं। पेंटरली जो है वो मैक का ये अमूमन हर स्किन टाइप पे, हर स्किन शेड के ऊपर जो है वो यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट मैं शेड्स ऑफ ब्यूटी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी कलरफुल सा पैलेट है। इसमें मैं कलर जो चूज़ कर रही हूँ वो है प्लम कलर है, पर्पलिश सा कलर है और इसको मैं क्रीज एरिया पे अप्लाई करूँगी। क्रीज ब्रश मैंने लिया है और क्रीज ब्रश के साथ मैं इस कलर को क्रीज पे लगा रही हूँ। क्रीज बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी क्रीज कहाँ पर है। जब अपनी आई को आप ओपन करेंगे तो आपके आईलिड के ऊपर वाला जो फ्रंट हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा होगा वो आप लोगों का क्रीज एरिया होगा। हर एक आई का डिफरेंट क्रीज एरिया होता है, तो उसको क्रीज एरिया को देखने के लिए कि सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा राइट क्रीज एरिया है आपका, उसके लिए आपको अपनी आई को ओपन करना पड़ता है।
नेक्स्ट मैंने कलर ब्लू कलर यूज़ किया है। इसके लिए मेरा एक्चुअली कैमरा जो है वो पॉज हो गया था, इसलिए मैं दूसरी आई पे आप लोगों को लगा के बता रही हूँ कि इसकी कम से कम आप लोगों को पता चल जाए कि पिगमेंटेशंस कैसी हैं। तो ये मैंने डार्क ब्लू कलर लिया है, नेवी ब्लू सा ये कलर है, और इसको मैं आईलिड के ऊपर लगा रही हूँ। आई शेडो ब्रश से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और डैप कर रही हूँ ताकि ये कलर साथ साथ ब्लेंड भी होता जाए। अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश से इस कलर को ब्लेंड करूंगी। बहुत ही हल्के हाथों से इस कलर को ब्लेंड करना है, क्योंकि ये डार्क कलर है, तो ये डार्क कलर जब हम लोग ब्लेंड करते हैं तो बहुत ही एहतियात से और हल्के हाथों से ब्लेंड करते हैं ताकि ये कलर बहुत ज़्यादा फैले नहीं। इसकी जो क्रीज़ आप देख सकते हैं, जो एक शार्प क्रीज़ बनी है, इसको हम लोगों ने इस तरह से ब्लेंड करना है कि ये कलर जो है क्रीज़ एरिया के साथ स्मज हो जाए। बिल्कुल क्रीज़ एरिया के अंदर इसको मिक्स नहीं करना कि क्रीज़ का जो कलर है अपना वो बिल्कुल छुप जाए। बहुत हल्के हाथों से जब आप सिर्फ इसकी लाइन जो इसकी क्रीज़ बनी है सिर्फ इसको ब्लेंड करेंगे तो जो लाइन है वो ब्लेंड होती जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो कलर है इसकी जो शार्पनेस है इसकी क्रीज़ की वो ख़त्म हो रही है और ये कलर जो है वो ब्लेंड हो रहा है। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर के लिए ये गोल्ड कलर यूज़ कर रही हूँ और इसके लिए मैं पेंसिल ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इस गोल्ड कलर को मैं ब्रो बोन के नीचे अप्लाई करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं हाइलाइटर को यूज़ करना है। देखिए मैं पेंसिल ब्रश से हमेशा अप्लाई करती हूँ ताकि जो हाइलाइटिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्रीज़ पे ना आए, बस एक ब्रो बोन के ऊपर बस थोड़ा सा लग जाए। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल जो आपका जो छोटा ब्रश है उसके साथ आपने हाइलाइटिंग इसकी करनी है। हाइलाइटर लगाने के बाद क्रीज ब्रश पे मैंने और कलर नहीं लगाया और जस्ट मैंने क्रीज पे हल्का सा उसको स्मज सा कर दिया ताकि जो गोल्ड कलर या कोई भी शिमर आपका या हाइलाइटर आपका क्रीज़ के ऊपर अगर गिर जाए तो वो ख़त्म हो जाए। और यही हाइलाइटर जो गोल्ड कलर है ये मैंने इनर कॉर्नर पे भी लगा दिया है। उसके बाद मैं आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ। आईलैशेस के ऊपर ग्लू लगाने के बाद कुछ सेकंड के लिए आपने ग्लू को ड्राई होने देना है ताकि ग्लू जो है वो थोड़ी सी स्टिकी हो जाए और जब आप लोग इसको आईलिड पे लगाएं तो ये अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए। और आईलैशेस लगाने के बाद आपने कुछ सेकंड के लिए आईज़ को ओपन नहीं करना, क्योंकि अगर आप आईज़ को ओपन करेंगे तो वो आईलैशेस जो हैं वो गिर जाएंगी या उनकी जो ग्लू है वो सही तरीके से उसको स्टिक नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट मैं जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और जेल आईलाइनर लगा रही हूँ मैं एंगल ब्रश के साथ। आप लोगों को अगर आईलाइनर लगाने में कोई मसला आता है तो आप लोग एंगल ब्रश यूज़ करें, क्योंकि अगर आप लोग पॉइंटी टिप वाला ब्रश यूज़ करेंगे तो उससे आप लोगों की स्मूथनेस जो है या उसकी प्रैक्टिस ठीक नहीं होगी। तो जो बिगिनर्स हैं अगर आप लोग एंगल ब्रश यूज़ करेंगे तो उससे आप लोगों की फिनिशिंग जो है आईलाइनर की बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आईज़ के नीचे करेक्टर लगा रही हूँ ऑरेंज कलर का। डार्क सर्कल्स को और डार्क पिगमेंटेशंस को जो भी फेस पे होती हैं या एक्ने स्कार्स जो डार्क कलर्स में आ जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए ऑरेंज कलर का करेक्टर या कंसीलर यूज़ किया जाता है। दोनों आईज़ के ऊपर मैंने करेक्टर यूज़ कर लिया है। अब मैं आईज़ के अंदर सफूरा ब्रांड की ये लाइम कलर में लाइम ग्रीन कलर है, इसको मैं ये आई पेंसिल को यूज़ करूँगी और आईज़ के अंदर लगाऊँगी। अगर आप लोगों के पास ये कलर नहीं है, अगर आप लोगों के पास वाइट कलर है आप लोग वाइट पेंसिल पे यूज़ कर सकते हैं या कोई सा भी लाइट कलर आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं मैक का ले रही हूँ फाउंडेशन NC25 लिक्विड फाउंडेशन है और इसको मैं
ब्रश की मदद से, फाउंडेशन ब्रश से पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। इसके अलावा आप लोग मेबेलिन, स्वीट टच, नेक्स्ट किसी भी ब्रांड की आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग क्रायलॉन की स्टिक यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आप लोग क्रायलॉन की स्टिक यूज़ करें, उसके ऊपर आप लोग लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई कर लें। अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करने के बाद इसको अपने इनर से आउटर की तरफ ब्लेंड करना है। अगर ब्रश के अलावा आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना चाहते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि ब्यूटी ब्लेंडर को सबसे पहले आपने गीला करना है अच्छे तरीके से। उसका सारा पानी निचोड़ने के बाद आपने उसको फाउंडेशन फेस पे लगाने के बाद उसको आपने डैप करना है अच्छे तरीके से। सेम यही प्रोसेस है जिस तरीके से आप लोगों ने ब्रश से आप लोग इसको ब्लेंड करेंगे, उसी तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर से आपने ब्लेंड करना है, लेकिन इनर से आप आउटर की तरफ ब्लेंड करें। नेक्स्ट स्टेप है बेकिंग का। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद बेकिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, जो लूज़ पाउडर फेस पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि उससे हमारी क्रीज नहीं बनती है। तो सबसे पहले अंडर आइज़ को हम लोग बेक करेंगे। अंडर आइज़ पे हम लोगों ने ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाना है। मैंने यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है लॉरा मर्सियर का, और फ्लैट ब्रश के साथ इसको मैं जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है उसको मैं अंडर आइज़ पे लगा रही हूँ। आप लोग पाउडर ब्रश भी ले सकते हैं या आप लोग स्पंज ले सकते हैं, जो पाउडर स्पंज होता है, ड्राई जो स्पंज होता है उससे आपने ट्रांसलूसेंट पाउडर उस पर लगा के अच्छे तरीके से आपने अंडर आइज़ पे लगा देना है, और उसके बाद फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर दें ट्रांसलूसेंट पाउडर को। मैं पाउडर ब्रश के साथ फुल फेस के ऊपर ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि अंडर आइज़ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है वो अप्लाई किया है, क्योंकि जितना फेस पे उसने फाइन लाइंस को या पोर्स को फिनिश करना होता है वो करता है, बाकी जो है वो हम लोग उसको वो या तो अब जब हम लोग पूरा ब्रश उसके ऊपर करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, या हम लोग जब स्पंज के साथ उसको डैप करते हैं अच्छे तरीके से तो वो हमारे स्किन में हमारे पोर्स के अंदर जज्ब हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि मैं पाउडर स्पंज से जो पाउडर पैड है इसके साथ अच्छे तरीके से पूरे फेस पे डैप कर रही हूँ, ताकि जितना भी ट्रांसलूसेंट पाउडर है वो पोर्स में जाना है वो चला जाए, बाकी का जो है वो बिल्कुल फेस के ऊपर नहीं रहेगा, बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा। नेक्स्ट मैं पैलेट में से कलर ले रही हूँ येलो कलर, और इसको स्मॉल आई शेडो ब्रश से अंडर आइज़ पे लगाना है। आप लोग पेंसिल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं या स्मॉल आई शेडो ब्रश आप यूज़ करें, ताकि इसकी फाइन सी जो छोटी सी लाइन है वो लग जाए, और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। नेक्स्ट मैं कलर ले रही हूँ, ये पिंकिश पीच सा कलर है, और इसको मैंने स्मॉल जो शेडर ब्रश है उसके ऊपर अप्लाई करके मैं बिल्कुल वाटर लाइन के करीब लगा रही हूँ, ताकि जो अंडर आइज़ है वो डबल शेड पे हो जाए। इस कलर को जब हम लोग वाटर लाइन के करीब लगाएंगे तो ये कलर जो है ये येलो जो हमने शेड लगाया था उसके साथ ब्लेंड होता जाएगा। बिल्कुल करीब करीब लगाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं फैलाना। नेक्स्ट मैं ग्लिटर इंजेक्शन का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। ये स्टार 3D ग्लिटर है, और थोड़ा थोड़ा सा इसको मैं फ्लैट ब्रश से ले रही हूँ, या आप लोग फिंगर टिप से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसको मैं आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी। जहाँ पे मैंने ब्लू शेड लगाया था तो आइज़ के आउटर कॉर्नर पे इसको थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करना है,
ताकि ये एक अच्छा सा अफेक्ट जो है वो आईज पे दे। नेक्स्ट मैं स्मॉल फैन ब्रश से नोज़ की कंटूरिंग कर रही हूँ। नोज़ की कंटूरिंग आप देख सकते हैं कि मैंने साइड्स पे सिर्फ दो लाइंस लगाने के बाद इनको ब्लेंड करी हूँ। नीचे की तरफ नोज़ की जो साइड्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा नहीं फैलाना, उससे जो नोज़ की जो शेप है वो बिल्कुल बैठ जाती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो नोज़ है वो बहुत अच्छी शेप में लगे, पतली शेप आए, तो उसके लिए आपने साइड्स पे लाइन लगा के उसको ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मैं अर्बन डिके का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये गोल्ड शिमर लाइट सा हाइलाइटर है। इसको मैं फेस के ऊपर ऐसे हाइलाइटर लगा रही हूँ, बल्कि मैंने फुल फेस के ऊपर इसको अप्लाई किया है। अगर आप लोग इसकी थोड़ी सी ज़्यादा शाइन देना चाहते हैं तो आप लोग प्राइमर का एक स्प्रे करने के बाद या सेटिंग स्प्रे का स्प्रे एक करने के बाद आप कोई सा भी हाइलाइटर अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा शाइन देगा।